नए साल के आने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का लक्ष्य तय किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नए साल में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने जा रही है, जिसके लिए अब सरकार ब्लॉक स्तर पर रेडियोलॉजिस्ट और गायनी के डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण स्तर पर भी मजबूत हो सके। इसके अलावा डॉक्टरों के साथ ही हॉस्पिटलों में खाली पड़े पदों के लिए भी लगातार भर्तियां चल रही है। मार्च में सरकार 400 डॉक्टरों को भर्ती करने जा रही है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और भी बेहतर हो सके, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, अब हम हर ब्लॉक हॉस्पिटल तक अब एक तो गायने की डॉक्टर को दे रहे हैं, एक अब हम रेडियोलॉजिस्ट को दे रहे हैं। 95 रेडियोलॉजिस्ट के पद हम अपने राज्य में बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में टाटा रिसर्च सेंटर ने जो सर्वे कराया और उन्होंने 41 बिंदुओं पे सर्वे कराया पूरे देश का, और उन 41 बिंदुओं में उत्तराखंड को 88 मार्क्स उन्होंने दिए और राजस्थान को 84 मार्क्स दिए। देश के टॉप 1 राज्यों में से उत्तराखंड सम्मिलित हुआ है और 5 लाख रुपए का उन्होंने हमको पुरस्कार भी दिया है। और उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की हेलीकॉप्टर से भी मरीज को जो है हायर सेंटर में रेफर किया जाता है और निशुल्क किया जाता है। दूसरा, टाटा रिसर्च सेंटर ने कहा कि 40 लाख लोगों के उत्तराखंड में अभी पैथोलॉजी के जो भी जांच हो रही है वो फ्री में की गई है, और 8.5 लोगों का अभी तक उत्तराखंड में 5 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क किया गया है। और अब हम हर गर्भवती महिला को जब उनका जच्चा बच्चा होना होगा तो घर से हॉस्पिटल लाना और जब जच्चा बच्चा हो जाएगा घर तक छोड़ना, एक तरफ का किराया मोदी जी देंगे और एक तरफ का किराया उत्तराखंड सरकार देगी गर्भ।